subscribe to TechEase and press notification bell to get notified about TechEase videos. M8S Plus के अंदर नोटिफिकेशन मेन्यू नहीं है। ये देखिए, ये M8 Plus मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जाके सेटिंग्स में जाके देखिए। सेटिंग्स में गया मैं, अबाउट में चले जाता हूँ। तो इस M8S Plus टीवी बॉक्स के अंदर आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन पुल डाउन मेन्यू नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको ये पुल डाउन कर रहा हूँ, माउस से मैं नीचे कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन मेन्यू बार पुल डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस डिवाइस में पुल डाउन मेन्यू बार नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्नोबॉल नोटिफिकेशन। सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। आपको ये सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंडिया के लिए नहीं है। तो मैंने इसे ऑफलाइन डाउनलोड किया हुआ है, और इसलिए मैंने इसकी लिंक भी दी हुई है इस वीडियो के नीचे। तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में आपको वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपके मिल जाएगा, स्नोबॉल। देखिए ये रहा वो सॉफ्टवेयर का लोगो, स्नोबॉल। आपको स्नोबॉल लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद में आप देखिए, मैं एक बार इसको लॉन्च करने के बाद में सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे ये टिक मारना है, एनेबल टिक। ये टिक करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है। इसको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है सिस्टम नोटिफिकेशन एसेस। सिस्टम नोटिफिकेशन एसेस में क्लिक करना है आपको, और ये आपको चेक मारना है। सिस्टम नोटिफिकेशन में जाके आपको ये चेक मारना है। फिर बाद में इसको आपको बैक करना है। और आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक मारूंगा, ऊपर से ड्रैग करूंगा, तो ये आ गया। देखिए ड्रैगिंग, ये देख रहा, पहले नहीं आ रहा था, अभी आ गया ये। और इसको ये एक बार आपको इसको नीचे ड्रैग करना है, तो ये पैनल आ जाएगा। फिर बाद में इस पैनल को फिर से खींचेंगे एक बार, तो ये नीचे आ जाता है आपका मेनू बार, नोटिफिकेशन मेनू बार नीचे आ जाता है। लेकिन ये एक बार में नहीं आता है, फर्स्ट टाइम आपको एक बार उसको ड्रैग करना होता है। और फिर वापस इसको ड्रैग करेंगे तो ये मेरे बार नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो चीज है, एक है नोटिफिकेशन, एक है हिडन। ये हिडन है, ये हिडन। तो जो ऑन गोइंग रनिंग जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे डाउनलोडिंग है या कुछ और चीज़ है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। और नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ऐप सर्च कर सकते हैं, क्लिक करके सर्च हो जाएगा। और इसको इसी को अगर आप पकड़ के फिर से एक और ड्रॉप डाउन ड्रैग करेंगे, तो आपको ये टॉगल स्विचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स है और स्नोबॉल सेटिंग्स के आइकन मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी तरह से काम कर रहा है अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप अपने जिस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के अंदर नोटिफिकेशन पुल डाउन मेनू नहीं है, स्नोबॉल सेटिंग से आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर में नीचे नोटिफिकेशन बार भी नहीं है, जो आपके रिसेंट टैब, होम और बैक बटन होते हैं, वो भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप फॉलो कर लिए तो आपको नोटिफिकेशन बार भी मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस। Hope you like this video. If you like it, then please share it, and don't forget to subscribe my channel TechEase. Thank you.